हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं झारखंड बोर्ड के लिए और भी अदर्स बोर्ड के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, झारखंड बोर्ड के लिए, ठीक है। झारखंड बोर्ड के क्लास 8 से स्टार्ट करके मैं 12th क्लास तक जाऊँगा, ठीक है। जैसे 8th क्लास का भी मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको बताऊँगा कि आपको जब एग्जाम में आप जाएंगे, 8th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, किस टाइप से रहेगा, टिकॉट करने वाला रहेगा, तो किस टाइप से पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, 8th क्लास का जितने सारे चैप्टर है उसके सारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा फटाक से, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास का भी इसी तरह से करवा दूंगा, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल 8th वालों के लिए करवा रहा हूँ। 10 दिन के अंदर 8th वाले खत्म हो जाएंगे, फिर 10 दिन के अंदर 9th का, ऐसे करके मैं 12th खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे 8th क्लास के लिए है, जो कि मुझे ये बताना है कि आपको जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, आपके पास टोटल जो होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहेगा, और आपके पास जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहेगा वो 20 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 41-42 दिया, इससे आपको घबराना नहीं है, जब सारे सब्जेक्ट दिए जाएंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही दिया गया, ठीक है। ये आपका 2021 का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के बहुत जल्द आएंगे, हर डेली डेली आपको 2 या 3 वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो अब यहाँ पे एक देख सक और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना था कि अगर आप सारे सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक PDF में लेना चाहते तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप अपना नाम और आप कौन सा बोर्ड से हैं, ठीक है, और अपना क्लास का नाम और आप क्या लेना चाहते हैं उसको आप लिख करके सेंड कर दें, आपको मैं तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है सारा, अगर आप PDF ले लेते हैं तो देख सकते हैं आप। देखिए, मैं आपका सारा कुछ पढ़ करके नहीं बताऊंगा, जिस दिन मैं सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट करूंगा उस दिन मैं सारा बता दूंगा, अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप अगर इससे पहले सब क्वेश्चन को जानते होंगे तो आपको वीडियो में ज़्यादा समय नहीं गंवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उस टाइम सिर्फ मैं सॉल्यूशन ही करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन इसको देख लें कि क्वेश्चन किस प्रकार से ऐसे हो, और अगर इसका भी स्पेशल इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, अगर आप थोड़ा भी कुछ पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाला हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन। अगर वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है तो आप क्या करें, वीडियो को रोक करके लिख ले, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो क्या कीजिए, आप रोक दीजिए वहीं पे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो को चालू कीजिए और बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये था मेरा 20 क्वेश्चन दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद जय।